शाहपुर थाना क्षेत्र के रामजानकी नगर में रिटायर्ड रेलकर्मी की पत्नी और 12 साल के नाती की गला रेतकर हत्या कर दी गई। अभी तक हत्या की वजह पता नहीं चल सकी है, मगर पुलिस इसे संपत्ति विवाद से जोड़कर देख रही है, क्योंकि पति पत्नी में बीते 7 साल से अनबन चल रही थी। फिलहाल दोनों एक ही मकान में अलग अलग रहते थे। आपको बता दें, गुरुवार की देर शाम 8 बजे नया टोला रामजानकी नगर निवासी वीरेंद्र सिंह की 62 वर्षीय पत्नी चंदा और 12 साल के नाती नैतिक की लाश घर में मिली, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों का किसी तेज चाकू से गला रेता गया था। हत्या की खबर पाते ही पुलिस हरकत में आ गई। फोरेंसिक व डार्क स्क्वाड के साथ मौके की छानबीन की गई। गौरतलब है कि रेलवे से रिटायर वीरेंद्र सिंह व उनकी पत्नी के बीच 7 साल से अनबन चल रही थी। वीरेंद्र सिंह ने पत्नी को घर से निकाल दिया था, तो वह पचपेड़वा में किराए के मकान में रहने लगी। अभी 1 हफ्ता पहले दोनों में समझौता हुआ और वीरेंद्र ने पत्नी चंदा को मकान के 3 कमरे में रहने को दे दिए थे, तब वह यहीं रहने लगी थी। एक हिस्से में वीरेंद्र सिंह अपने बेटे विशाल और बहू के साथ रहते थे, जबकि पत्नी चंदा अपने नाती नैतिक के साथ। बेटी सोनी कभी कभी आती थी तो मां के साथ ही रहती थी। शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि मूल रूप से शाहजहांपुर जिले के रहने वाले वीरेंद्र सिंह के पिता भगवान दास रेलवे में नौकरी के सिलसिले में यहाँ आ गए थे। बाद में वीरेंद्र सिंह को भी यहीं रेलवे में नौकरी मिल गई। उन्होंने अपना मकान बनवा लिया। वीरेंद्र सिंह के 3 बेटे और 1 बेटी थी। दो बेटों का देहांत हो चुका है। उन दोनों की शादी नहीं हुई थी। बेटा विशाल नगर निगम में कूड़ा वाहन चलाता है, जबकि बेटी सोनी की शादी मेहदावल संत कबीर नगर में हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP जोगेंद्र कुमार ने कहा, थाना शाहपुर क्षेत्र अंतर्गत एक घर के अंदर एक महिला जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, उनका और उसके नाती जिसकी उम्र 14 वर्ष से लड़का है, दोनों की बॉडी मिली है। घर के अंदर ही दोनों की बॉडी मिली है। दोनों की हत्या की गई ऐसा लग रहा है। और इन महिला जिन जो मृतका है, इनका अपने पति से पिछले 7 साल से विवाद चल रहा था। आपस में बोलचाल नहीं है। पिछले 3 दिन से ही अपने पति के यहाँ रहने आई थी। समझौते के आधार पर यह अपनी बेटी को और नाती को साथ रखना चाहती थी, और इनका ये विरोध था कि बेटी को यहाँ नहीं रखा जाएगा, नाती को भी यहाँ नहीं रखा जाएगा। इस बात को लेकर उनके बीच विवाद था दोनों पति थी, और पति से मतलब वो आपस में उनको बात कर रहे थे उससे आपस में। घटना का मुआयना किया गया है और बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। FIR पंजीकृत करके अब संवैधानिक कार्रवाई अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन पारिवारिक विवाद जरूर है। इनके पति से विवाद तो नहीं कंटिन्यूस, इसका एक समझौता पत्र भी इनका मिला है। 3 दिन पहले ही आके रहने लगी है यहाँ पे। इसका बेटा जो है, मृतका का बेटा है, उससे भी विवाद था। मृतका का बेटा और पति आपस में साथ रहना जरना चाहते थे, और मृतका और वो अपनी बेटी के साथ रखना चाहते थे। इस चीज़ का दोनों पक्षों में विवाद था, लेकिन अभी तक बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगी। जब तक हम चीज़ें इन्वेस्टिगेट करनी लेंगे, तब तक हम इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही हम चीज़ें बता पाएंगे।